जी हम कैपम से आया क्वेश्चन बार बार रिपीटेड 5 ईयर में आने वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रही हैं, रिस्क एंड रिटर्न का प्रॉब्लम A-26। प्रॉब्लम A-26 गिटमैन की बुक का 13th एडिशन का। यूजिंग दी बेसिक इक्वेशन फॉर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपम की बेसिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, टू वर्क आउट ईच ऑफ दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स जो है वो हमने सॉल्व करनी है। ए में कह रहा है फाइंड दी रिटर्न फॉर एन एसेट विद बीटा रिस्क फ्री मार्केट रेट रिस्पेक्टिवली, ये रिटर्न दिए हुए हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने आर फाइंड करना है, ए में रिटर्न फाइंड करना है कैपम के फार्मूले से। कैपम का फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो इसमें ए में हमें रिस्क फ्री दिया हुआ है 0.08 प्लस बीटा है 0.90 इंटू आर एम कितना है, आर एम है 12% 0.12 माइनस 0.08। जी इसको सिंप्लीफाई कर दें, पता नेट बता दें महफूज कितना आ रहा है, 0.116 या 11.6%। आपने 0.9 को इस पे ज़रब दे के ये ऐड किया है, ये ए रिक्वायरमेंट हो गई। बी में देखें फाइंड द रिस्क फ्री रेट फॉर फर्म विद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% एंड बीटा 1.25 व्हेन मार्केट रेट इज 14%। इसमें रिस्क फ्री नहीं है, बाकी चीज़ें दी हुई हैं, आर एफ भी है, बीटा आर एफ नहीं है, बीटा है, आर एम है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, 0.15 लिखेंगे इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ही फाइंड करना है प्लस बीटा कितना है 1.25 और आर एम 0.14 माइनस आर एफ फाइंड करना है। तो इसको 0.15 इज इक्वल टू आर एफ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जीरो पॉइंट 175 माइनस 1.25 आर एफ, तो ये 0.15 माइनस, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 0.175 इज इक्वल टू आर एफ माइनस जी माइनस 1.25 आर एफ। तो इसको माइनस करें, ये कितना आ जाएगा 0.025 इज इक्वल टू 0.25 आर एफ, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का 0.25 आर एफ। तो आर एफ इज इक्वल टू 0.025 माइनस का डिवाइडेड बाय माइनस का 0.25, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.10 या 10%। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें सी, फाइंड द मार्केट रेट फॉर एन एसेट विद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16% एंड बीटा 1.10 व्हेन रिस्क फ्री रेट इज 9%। सी है जी, फाइंड मार्केट रेट फॉर एन एसेट विद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16, इसमें आर एम नहीं दिया हुआ, आर इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ।
अब यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 16% 0.16, और रिस्क फ्री है 0.09, प्लस बीटा है 1.10, आरएम नहीं है और रिस्क फ्री 0.09 है, 0.09 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.10 आरएम माइनस इसको पॉइंट कितना आ गया 0.99, पॉइंट 0.16 माइनस 0.09 माइनस प्लस 0.99 इज इक्वल टू 1.10 आरएम। सिंप्लीफाई कर दो, 1.10 आरएम इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा नेट, पॉइंट 169। तो आर एम इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया आंसर 0.154 या 15.4%। जी डी जूस देख लें, बीटा फाइंड करना है इसमें, बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, R इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15% और रिस्क फ्री भी दिया हुआ है इसमें 0.10 इज इक्वल टू बीटा नहीं है, आर एम है 12.5, 0.125 लिख देंगे, माइनस आर एफ 0.10। जी ये आ जाएगा 1.25 बीटा, इसको माइनस कर दो पहले 0.025, तो 0.025 बीटा आ जाएगा, ऐसे ही है तो ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस हो जाएगा, 0.15 माइनस 0.10 इज इक्वल टू 0.025 बीटा, तो ये आ जाएगा 0.05, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.025 इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा का आंसर आ गया 2। ठीक है जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 8-24 जो कि आप खुद ही घर से कर लेंगे, इसमें सिर्फ आर पूछ रहा है, मतलब बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, चार बार आपने रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ही फाइंड करना है, जस्ट रेट चेंज हैं, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ही फाइंड करना है, बाकी सारा सिंपल है।